तो दोस्तों बात कर लेते हैं ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड के स्टॉक के बारे में, जान लेते हैं आगे इसमें क्या लेवल और क्या टारगेट्स आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। दोस्तों अभी कुछ दिन पहले मैंने इसी टॉपिक पर वीडियो रिकॉर्ड करी थी और आपको बताया था कि स्टॉक अभी गिरेगा क्योंकि वो जिस तेज़ी के साथ में लिस्ट होने के बाद में अपर सर्किट लगते हुए भागा है उसी स्पीड से वो एक बार डाउन में ज़रूर आएगा, क्योंकि अगर आप इसका चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो दोस्तों बात कर लेते हैं, अगर आप पहले से इस स्टॉक में इन्वेस्टेड हो गए हैं तो आपको क्या करना चाहिए, और अगर फ्रेश एंट्री के लिए प्लान कर रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए। अभी तक ये स्टॉक जो है रिटर्न्स है आपकी मनी को डबल करके दे चुका है। लिस्ट होने के बाद जिस स्पीड से स्टॉक ऊपर की तरफ भागा था उसने आपकी मनी को डबल कर दिया है, अगर लिस्ट होने के बाद ही किसी ने बाय कर लिया था तो। लेकिन भागते हुए स्टॉक को देखकर जिस किसी ने पकड़ा है हो सकता है वो अभी लॉस में बैठा हुआ हो। तो यहाँ पर मैंने पहले भी आपको चीज़ें क्लियर की थी कि कैंडल जो है अपना गैप छोड़ करके भागी हुई है, इसीलिए कैंडल को नीचे आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो नीचे में मुझे कैंडल का गैप कवर होते हुए दिखता है वो 90 रुपये का है दोस्तों, यानी कि आप अगर फ्रेश एंट्री के बारे में सोच रहे हो और इस स्टॉक को पकड़ना भी ज़रूरी है क्योंकि ये एक बेहतरीन स्टॉक फ्यूचर में रह सकता है, तो आप इसमें अपनी स्ट्रेटेजी को कुछ इस तरीके से प्लान करके चल सकते हैं। 110 रुपये के आसपास आए तो आप अपने कैपिटल का सिर्फ 20% इसमें डालिएगा, और जब ये स्टॉक आपको 90 रुपये पर आता हुआ दिखाई दे तो आप 40% अपने कैपिटल का डालिएगा। इस तरीके से आप अभी तक अपना, अगर आपने सोचा है कि आपको 1,00,000 रुपये इसमें लगाने हैं तो इस तरीके से आप अभी तक 60,000 रुपीज़ इस स्टॉक में लगा चुके होंगे। उसके बाद दोस्तों अगर ये स्टॉक थोड़ा थोड़ा करके 10-10 रुपये टूटता है तो आपको बचा हुआ 40% 10-10% के हिसाब से ही डालना है। उसके बाद आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना मुझे कुछ कहने की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको कुछ बताने की। दोबारा से जैसे ही स्टॉक रिबाउंड होगा ऊपर की तरफ निकलेगा तो आप कम समय में बहुत अच्छे टारगेट्स इस स्टॉक में अचीव कर पाएंगे। दोस्तों हम अपने चैनल पर आपको बिल्कुल रेडीमेड स्टॉक्स बना करके स्ट्रेटजी बताते हैं। अगर आप हमारी स्ट्रेटजी के हिसाब से ही लेवल्स और टारगेट्स को फॉलो करेंगे तो आप जल्दी ही कम समय में ज़्यादा पैसा बना पाएंगे स्टॉक मार्केट से। इसीलिए आप चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो वैल्यूएबल स्टॉक्स के बारे में डेली बेसिस पर जानने के लिए चैनल को तुरंत कर लीजिए सब्सक्राइब। वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।